योग के प्रयोग आकाशवाणी उदयपुर के साथ। नमस्कार, मैं संतोष राठौड़ आज आपको करवाऊंगी भद्रासन का अभ्यास। भद्र का अर्थ होता है शिष्ट व सभ्य। इस आसन में बिल्कुल बैठने की स्थिति सामान्य और सभ्यता पूर्वक होती है। यह आसन अभ्यास करने में जितना सरल है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण भी है। जिन्हें साइटिका, आर्थराइटिस व तेज कमर दर्द हो वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। भद्रासन के लिए सबसे पहले आराम से धीरे जमीन पर बैठ जाइए। आसन के ऊपर बैठेंगे, दंडासन में बैठें, दोनों पैर सामने की तरफ फैले हुए, शरीर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए गुदा मूल के पास रखिए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के पास इस प्रकार रखिए कि दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले हुए हों। कमर एकदम सीधी, गर्दन और सिर एकदम सीधी रहे। शरीर का पूरा भार नितंब पर बना रहे। ध्यान रखिए, यदि आप दूसरी जगह वजन देते हैं तो आसन का प्रभाव सही जगह पर नहीं पड़कर उस आसन का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बजाय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए, दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले हुए, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाइए और हाथों की अंगुलियों से पांव की अंगुलियों को पकड़ें। हाथों की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों को थोड़ा अंदर की ओर धकेलते हुए दोनों एड़ियों को गुदामूल के पास मूलाधार क्षेत्र में लगाने का प्रयास करें। जननेन्द्रिय के पास में अपनी पूरी एड़ियों को पीछे धकेलें। कोशिश करें आपके दोनों घुटने जमीन के पास आ जाएं। पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास निरंतर। कुछ समय तक 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस स्थिति में रुकें, श्वास प्रश्वास निरंतर लेते रहें और छोड़ते रहें। सावधान रहें, कमर गर्दन एकदम सीधी और रिलैक्स। भद्रासन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, मस्तिष्क को स्थिरता मिलती है, मन शांत भाव में स्थित होता है, घुटनों व नितंब के जोड़ स्वस्थ बनते हैं, संधि रस बढ़ता है, घुटनों के बीच में जो ल्यूब्रिकेंट होता है, जो संधियों का रस होता है, उस रस की वृद्धि होने से हमारे शरीर के जोड़ स्वस्थ बनते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। पेट के सभी अंगों को क्रियाशील बनाता है भद्रासन। पाचन तंत्र को स्थायित्व देता है भद्रासन। शरीर में वायु प्रकोप को शांत करने के लिए भद्रासन अति उपयोगी है। मासिक धर्म में होने वाले दर्द से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन भद्रासन का अभ्यास करना चाहिए। जांग व पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जिन्हें गैस व अपच की समस्या हो वो समस्या भी दूर होती है। कई लोग भद्रासन को तितली आसन की तरह मानते हैं, पर तितली आसन में आपको दोनों घुटनों को क्रियाशील रखना होता है और भद्रासन में आपको स्थिर रखते हुए अधिकतम जांग की मांसपेशियों को खींचना होता है। दृष्टि सामने की ओर, आपकी चिन जमीन के समानांतर रहे और कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। आसन को
रिलीज करने के लिए धीरे से आंखें खोलें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने फैलाएं और आराम से बैठ जाएं।